नमस्कार, रमा स्वीट एंड डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे व्रत में खाने वाले आलू, तो बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बनाते हैं व्रत में खाने वाले आलू। बनाने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम आलू, इसे हमने छोटे टुकड़ों में तोड़ा है इस तरीके से, इसे हमने चाकू से नहीं काटा है, इस तरीके से टुकड़ों में इसको हमने तोड़ के रख लिया है इस तरीके से। और हमारे पास है धनिया आधा छोटा चम्मच, सौंफ आधा छोटा चम्मच, इसे हमने खड़ा धनिया और खड़ी सौंफ को भून करके पीस लिया है, घी एक चम्मच, सेना नमक एक छोटा चम्मच, जीरा आधा छोटा चम्मच, एक हरी मिर्च, हरी धनिया कटी हुई। और हम आलू बनाएंगे। हमने गैस ऑन कर दिया है और गैस पर कढ़ाई रख दिया है, इसके अंदर हम घी डालेंगे और घी हमारा गर्म हो गया है, इसके अंदर हम जीरा डालेंगे। हमने घी डाला है, आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। जीरा हमारा हल्का गुलाबी हो गया है, इसके अंदर हम हरी मिर्च डालेंगे, मिर्च हमारी हल्के से ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर हम आलू डालेंगे, मिक्स कर देंगे। इसके अंदर हम नमक डालेंगे, सेंधा नमक हमें व्रत के लिए डालना है, 2 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर इसके अंदर हम धनिया और सौंफ को डालेंगे। हमने आलू को 2 मिनट भून लिया है, अब इसके अंदर हम धनिया डालेंगे और सौंफ पाउडर डालेंगे और इसे हम मिलाएंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए भूनेंगे। इससे आलू हमारी सौंधी हो जाएगी और खाने में अच्छी लगेगी। देखिए हमने आलू को भून लिया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और इसके अंदर हम कटी हुई हरी धनिया डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। और हम अपने आलू की प्लेटिंग करते हैं। आलू हमारी बनकर तैयार हो गई है, गैस बंद करते हैं, आलू को निकालेंगे। हमारी क्विक और टेस्टी व्रत की आलू बनकर तैयार हो गई है, आप इसे जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।